मिंत्रा स्टार्ट हुआ फैशन से, फेमस हुआ फैशन के लिए एंड अभी भी फैशन इज अ मेन थिंग. बट व्हाट डू? हम ट्राई करते हैं सब हटके एंड दैट्स व्हाई टुडे वी ट्राई स्टेशनरी अंडर रुपीज 399 फ्रॉम मिंत्रा. हाय, वेलकम टू द स्टेशनरी हॉल. आफ्टर अ व्हाइल आई नो यू ऑल लव दिस वीडियो द मोस्ट. आई कीप थिंकिंग के व्हाट डिफरेंट टू डू नेक्स्ट. दिस टाइम लेट्स रेट इफ मिंत्रा स्टेशनरी इज गुड और नॉट एंड वैरायटी कैसी थी, क्वालिटी कैसी आई है. लेट्स बिगिन. दिस पार्सल इज सो लाइट वेट, फील्स लाइक इसमें कुछ होगा ही नहीं. What do we have? It's a to-do list. And guess the brand. Just guess the brand. आप नहीं कर पाओगे. It's from I know. एक तो Forever 21 के majority stores बंद हो गए in the Mumbai suburban side and western side. I only know कि Phoenix Market City कुर्ला में है शायद से. But they have their stationery on Myntra. How cool! तो ये प्यारी सी to-do list है which you can tear off. Sticky notes नहीं है, but this is for a weekly usage to rip off after the week is over. So you can either make this a habit tracker, यहाँ पे grids draw करके, or you can just write एक single date, circle whichever day it is, and daily के लिए भी use कर सकते हैं. So there's two ways. This is super adorable and this is a good one. And this gets a thumbs up. फिर कुछ तो आया है in a box. Oh what? I think हमारा कुछ Forever 21 के साथ चल रहा है, because second one also from there. ये है cute heart shaped paper clips. 10 क्लिप्स आए हैं इस सेट में एंड दिस आई थिंक इज वेरी ओवर प्राइस बिकॉज ये एग्जैक्ट सेम थिंग मैंने अनुपम में 150 के नीचे ही देखी थी फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर. तो ये डबल से भी ज्यादा है. बट आई जस्ट वांटेड टू सी दिस कि कुछ डिफरेंट है, प्राइस बड़ी है, तो इज द हार्ट ऑफ अ डिफरेंट मटीरियल एक्रेलिक और समथिंग. बट नो, इफ वेयर यू लिव अनुपम या कोई भी ऐसी स्टेशनरी स्टोर नहीं है वेयर यू कैन फाइंड दिस, ओनली देन दिस मेक सेंस खरीदने के लिए. बट नॉट योर लोकल स्टोर्स एंड यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. बट दिस कम्स इन वेरी हैंडी कुछ कुछ पेपर को टेम्पररी इकट्ठा करने के लिए एंड इट्स ग्रेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट अप, ओह आई थिंक दिस इज अ नोटबुक. ओह नो, ओह माय गॉड, थर्ड थिंग, नो वे. मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ यू, पूरा सील था सो देयर इज नो वे आई कुड हैव नोन. अरे निकल ही नहीं रहा, इसको होल्ड पे डाले क्या? नहीं, अब खुल ही दिया तो फिर एक्साइटमेंट रहेगी ना. बाप रे, ये तो प्लास्टिक ऑन, दिस इज वेरी हार्ड. ओ, ये एक प्रॉपर वीकली शेड्यूल है विद प्रॉपर डेज के कॉलम्स एंड इधर आर्टवर्क भी कितना प्यारा है. आई लव कि ये छोटू सा है. जो बाकी वीकली शेड्यूल्स आई हैव सीन देयर नॉर्मली A4 साइज एंड दिस बिग, बट दिस इज वेरी हैंडी डैंडी एंड इजी टू कैरी. फॉरएवर 21 का स्टेशनरी मतलब अभी तक तो काफी अच्छा निकला यार, ग्रेट जॉब. एंड आई होप इसमें देयर इज नो चाइल्ड लेबर का सीन बिकॉज इट्स स्टेशनरी. आई होप इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन प्रॉपर फैसिलिटी एंड एट गुड रेट्स बिकॉज दिस इज नॉट डर्ट चीप. ये तो मार्केट रेट पे ही बेच रहे स्टेशनरी. अपना मैं आग बंद करके पिक करूंगी बिकॉज दिस फील्स लाइक समथिंग ह्यूज. क्या है इसमें? फ्रजाइल स्कूबीज. ओके, ओ आई थिंक आई नो व्हाट दिस इज. अगर मैं स्कूल में होती और तब मुझे ये मिलता ना, बहुत मजा आता बिकॉज दीज आर रूलर्स. इट्स अ पैक ऑफ टू रूलर्स. उसके अंदर ही देयर स्पेस टू पुट योर पेंसिल्स और प्रोबेबली अ पेन, इरेजर, शार्पनर, एवरीथिंग. तो ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. एक, व्हेन यू कीप अ रूलर जस्ट इन योर बैग और अगर उसमें थोड़ा सा भी वजन आता है ना, इट स्नैप्स और टूट जाती है. इसमें वो नहीं होगा बिकॉज इसपे और लेयर्स है. दूसरा, आपको पाउच कैरी करने की नेसेसरीली जरूरत नहीं है बिकॉज अगर एक पेंसिल के बदले एक पेन डाल देंगे इसमें, यू विल हैव एवरीथिंग यू नीड. इट्स जीनियस, वेरी स्पेस सेविंग एंड ऑफिस के लिए भी काफी काम आएगा. यू कैन जस्ट हैव वन ऑफ दिस इन योर ड्रॉअर एंड योर स्टेशनरी सॉर्टेड. अगर आपको पेन स्टैंड रखना नहीं पसंद हो, देयर इज अ पिंक वेरिएंट, नेवी ब्लू वेरिएंट एंड हियर्स वेयर यू कीप द पेन्स एंड पेंसिल्स, इरेजर एंड इनबिल्ट शार्पनर. व्हिच कलर डू यू लाइक मोर, नेवी ब्लू और पिंक? कमेंट एंड टेल मी. व्हाट डू वी हैव हियर? दिस इज अ ह्यूज वन. व्हाट इज दिस? ओ अच्छा, इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स है इसलिए दिलुपान. First up is this notebook. I love the quirky print. Quirky print are always energizing. Like you find a good design. Like for example, see, there's a popcorn right here, right? So ये देख के you think कि अरे movie बहुत time से नहीं देखी, movie देखने जाना है. और there's a rollerblading thing, there's an ice cream, cupcake. So basically anything that you like, अगर उसके pictures आपके आसपास है. Newborn baby होने वाला, तो कैसे लोग babies की photo लगाते to think good things like cute babies that they want their baby to look like. वैसे ही what you want your life to look like, have like graphical images around you, like a
विजन बोर्ड. सो ये था मेरा आइडिया बिहाइंड दिस बुक. बेसिकली काफी डीप चले गए, बट इट्स नाइस. इट्स रूल थोड़ा स्कूल वाइज दे रहा है, बिकॉज यू नो देयर इज अ डेट सेक्शन आल्सो ओवर हियर. बट बाइंडिंग काफी अच्छी लग रही है. इट्स सेमी हार्ड बाउंड, फ्रंट एंड बैक दोनों प्रिंटेड है. इट्स क्वाइट अ नाइस नोटबुक. एंड फ्रॉम द सेम ब्रांड आई फाउंड दिस पाउच व्हिच इज सुपर इंटरेस्टिंग. ये सिर्फ स्टेशनरी के लिए नहीं बट कॉस्मेटिक्स के लिए भी बहुत यूजफुल होगा, बिकॉज वैसे तो ये क्यूब रहता है बट व्हेन यू ओपन इट, चेक दिस आउट, इट बिकम्स अ फ्लैट ट्रे. तो अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम पे इस पे आप आपका स्किन केयर या मेकअप लेके जा रहे हो, व्हेन यू कैरिंग इट तब तो इट बी लाइक दिस, बट वंस यू रीच योर डेस्टिनेशन आप इसको खोल के इसमें प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो. आई लव्ड दैट आइडिया अबाउट दिस. इवन फॉर पोस्टर कलर्स और एनीथिंग एल्स दैट कैन बी स्टैक्ड व्हेन दिस स्टैंडिंग अप, ये बहुत अच्छा रहेगा. सो दिस इज वेरी अडोरेबल एंड वेरी वेल मेड आई हैव टू से, बिकॉज इतना स्टडी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्योंकि लोग सोचते कि स्टेशन तो बच्चों के लिए होते, क्या ही क्वालिटी का सोचना चाहिए, बट ऑनेस्टली देयर आर एडल्ट्स लाइक अस हु स्टिल लव स्टेशनरी, राइट? चेक आउट द प्रिंट, इट्स फुल ऑफ लाइक फन लिटिल मॉन्स्टर्स एंड फॉरेस्ट. अच्छा, इसमें और काफी सारे प्रिंट्स भी थे, स्पेशली इस नोटबुक का सेम वाला भी था. सो इफ यू वांट टू मेक अ सेट यू कैन डू दैट, बट आई थॉट ऑफ हैविंग फन विद अ डिफरेंट वर्जन, बिकॉज आई हैव अ प्लैनेट वाली नोटबुक इन माई ओन ब्रांड्स कलेक्शन. सो आई थॉट दीज मॉन्स्टर्स विल लुक सुपर क्यूट विद द प्लैनेट्स, लाइक दैट कैन बी अ क्यूट लिटिल सेट. तो फॉर दैट आई गॉट इट. होपफुली वन डे आई लिस्ट माई स्टेशनरी ऑल्सो ऑन मिंत्रा, दैट विल बी नाइस. फिर जो ना सबसे ज्यादा मजा स्टेशनरी वीडियो शूट करने में आता है, बचपन का पैशन है यार. ओह, फिल्ड विद लव. ओके, व्हाटएवर ब्रांड हैज डन दिस, ग्रेट पैकेजिंग. आई नो व्हाट दिस इज, द पैक ऑफ थ्री क्यूट टोट बॉक्स. ओह माय गुडनेस, लुक एट दिस, दे आर सो टाइनी एंड सो क्यूट. ओ, ईच नोटबुक अंडर 399, नहीं पूरा सेट अंडर 399 है. ओ माई गॉड, में जो गोल्डन बिट्स है ना सेंटर्स, वो भी सब रिफ्लेक्टिव है. एंड ये कितना अच्छे से बांधा है, खोलने का मन ही नहीं कर रहा. ऐसे स्लाइड कर दू, हाँ ऐसे स्लाइड कर. Look at this. Itna sara gold foiling and different floral prints. I have to show you one more thing. And this is the last one. This is the third one. Hopes and dreams. And isme bhi gold foiling hai. So color scheme to hai hi cohesive. Like they've used the same colors throughout. But when I flip them, teeno ke piche flowers bhi alag alag hai. I know it may be a small thing, but it got me very excited ki itni detailing ka socha na unhone. Are these ruled or these are blank? I actually like blank notebooks more because they're more free flowing. You can do anything in them. You can do doodle, you can draw, जैसे चाहिए वैसे आप इसमें ग्रिड्स बना सकते हैं. सो आई लाइक दैट. आर ऑल ऑफ देम ब्लैंक? आई थिंक सो. नो, दिस वन इज रूल्ड. इंटरेस्टिंग. एंड व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन इज ऑल्सो रूल्ड. ओके, सो इट्स अ सेट ऑफ टू रूल्ड और एक ब्लैंक नोटबुक. अमेजिंग. इसमें भी और वेरियंट्स थे, मैं वो दूसरे वेरियंट्स भी लिंक कर दूंगी, बिकॉज आई लव दिस. इसमें कुछ हैवी की नहीं, व्हाट इज दिस मिस्ट्री आइटम? Oh, I remember now. It's a handmade bookmark, or at least I think it's handmade. It's from a brand called Tavi, inspired by Indian crafts. Yeah, this is a handcrafted product. So there are so many forms of art apne culture ke, jaise Madhubani ho gaya, Varli ho gaya, and it's a great way to support those artworks by buying stationery like this. Kitni bariki hai, kitni safai se the detailing has been done. Like hats off to the artisan and to the brand who is still promoting this culture. I think this is bamboo or something. Where can I read this? It only says bookmark, but iska jo texture hai na, I wanna open this and show it to you without ruining it, of course. थैंक गॉड, मुझे लगा कुछ टूट गया. लुक एट दिस टेक्सचर. ये पेपर तो नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. एंड ऊपर ना छोटे से बीड्स है, एंड आई थिंक द बीड्स विल हैंग आउट व्हेन हैंग आउट एज इन बुक के बाहर रहेंगे व्हेन यू पुट दिस इन द मिडल ऑफ द बुक. वेरी थॉटफुल, वेरी लवली. ऐसे प्रोडक्ट में थोड़े पैसे डालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, रादर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ फॉरेन स्टेशनरी ब्रांड व्हिच इज लाइक नथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू गेट हियर. खुद का भी तो सपोर्ट करना चाहिए हमें. सो दिस इज अमेजिंग. देन वी हैव अनदर बॉक्स. मुझे बॉक्स खोलने में ज्यादा मजा आता है. क्यूट. ओ माई गॉड, दिस इज अ सेट ऑफ थ्री थिंग्स. आई रिमेम्बर ये जो मैंने ऑर्डर करा था, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा आएगा. लुक एट द पेंसिल्स. दिस इज लामा, अ फ्लेमिंगो एंड अ यूनिकॉर्न, एंड क्यूटो क्यूटो इरेजर्स. ओ, ऐसा निकला हुआ है. इरेजर इज सील पैक्ड. It's a cute princess theme. ये ring कितनी प्यारी है यार. And there's one more thing जो ऐसे gift wrap की गई है. बचपन में return gift का पूरा flashback आ रहा है मुझे, memory. I used to be such. Oh my god, these are fluorescent pens. This is such a value for money set. We got all of these things under ₹399 as a set. Outdone yourself, Myntra. This is amazing. Then we have a rather heavy packet.
It has the same box. I'm excited to see because last box mein notebooks itni zyada pyari thi. I have literal goosebumps. Doodle, you are. Ek to aisa lag raha hai ki these are stars in the night sky. Look at all of these rainbows. ये छोटू रेनबो कीचेन कितना प्यार से डिटेलिंग किया एंड इवन द बाइंडिंग इज पिंक. अगर मैंने लिप ग्लॉस नहीं लगाया था ना आई वुड हैव एक्चुअली गॉन फॉर इट. देयर इज अ रेनबो एट द बैक. आई एम सॉरी आई एम नॉट ट्राइंग टू एग्जैजरेट बट दिस इज जस्ट नेचुरल इमोशंस कमिंग अप बिकॉज हाउ क्यूट इज दिस. एंड द कन्फेटी वाला इंट्रोडक्शन पेज है. देयर इज अ डिफरेंट ड्रॉइंग ऑन ईच पेज. वाओ लुक एट दैट. Look at this. Superb. This is too cute. And the last box, I know what's in this and you are going to love it because again, it's a multi-purpose product. It is bahut hi cute. It's not a glass, although now that I think it can be used as one. But this is a pen stand holder from the picture and from the listing. But picture mein na cutlery bhi rakha tha isme. So you can put anything in this. And since there's no holder, you can actually use it as a glass also. But this cute little blue heart is must take them. इसमें पिंक वेरियंट भी था बट आई वेंट फॉर द ब्लू वन. एंड इट्स फ्रॉम नस्तासिया. आई थिंक इट्स माय फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज फ्रॉम नस्तासिया. एंड कलेक्शन का काफी अच्छा लगता है मुझे बट देयर ऑन द लग्जरी साइड व्हिच इज व्हाई आई एम स्टिल वेटिंग टू ट्राई इट आउट. आई सेव अ लिटिल बिट एंड देन ट्राई देम. बट इजंट दिस सो सो क्यूट. सो टू समराइज माय होल एक्सपीरियंस, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट्स ना मुझे पांच में से एक ही पसंद आ रहा था बिकॉज या तो बहुत जेनेरिक था या तो काफी एक्सपेंसिव था. लाइक द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट स्टार्टिंग वाज ओनली अराउंड 195 और समथिंग. जैसे अमेज़न पे यू सर्च फॉर स्टेशनरी यू गेट समथिंग फॉर 20 रुपीज आल्सो. लाइक वो पेन भी मिल जाएगी. सो दे आर येट टू हैव उतनी वैरायटी बट आई डोंट थिंक मिंत्रा उसमें जाएगा बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन लाइक अ क्यूरेशन. एक छोटा सा कलेक्शन उनको अभी भी फैशन ही रखना है बिकॉज जब वो अपने पैकेजिंग पे प्रिंट कर रहे हैं फैशन विद अ साइड ऑफ फन. आई डोंट थिंक वो लोग स्टेशनरी पे इतना घुसेंगे. जो कलेक्शन हमें मिला इट वॉज सुपर्ब. क्वालिटी कंट्रोल वॉज वेल डन बाय मिंत्रा बिकॉज सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है. सो ओवरऑल आई विल गिव देम अ 4 out of 5 फॉर दिस स्टेशनरी बिकॉज दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. कॉमेंट डाउन बिलो अगला मुझे कहाँ से स्टेशनरी ट्राई करनी चाहिए. एंड इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ यू डिड नॉट एंजॉय